हे फ्रेंड्स, माय सेल्फ इक्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाय इक्ता। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल। तो टाइटल से वो तो पता चल ही गया होगा। सो अमेजोन से मंगवाई हुई है मैंने कुछ चीज़ें, तो या कुछ कुछ के बॉक्सेस तो मैंने वैसे भी फेंक दिए हैं, पर कुछ है तो मैं सभी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो आप आसानी से देख सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस छोटू से बॉक्स से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मंगवाई हुई है मैंने आई लैशेस, जो है लाइक एडल ह्यूमन हेयर आई लैशेस, 3 pairs for 1 great piece। तो ये कुछ इस तरह की है, और इसमें भी ऐसा था कि हम एक नहीं मंगवा सकते, तो हमें दो ही रिसीव होगी हम जो भी मंगवाएंगे। तो फर्स्ट जो मैंने मंगवाई हुई है वो है ये, यू कैन सी कि कितनी अच्छी लैसेस है, और इसमें से एक मैंने अभी वेयर की हुई है। तो मैं ये वीडियो जब अपलोड करूँगी मैं भी, तब तक तो मेरा जो इस लुक का वीडियो है वो आ ही जाएगा। तो उसमें मैंने ये अप्लाई की हुई है, तो आपको वो पता चल ही गया होगा। और दूसरी जो लैसेस है वो कुछ इस तरह की है, यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल है। अगर हम कहीं पे हैवी लुक क्रिएट कर रहे हैं या कहीं फंक्शन में, मैरिज में अटेंड कर रहे हैं शादी वादी, तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और यू कैन सी, और सभी की मैं क्लोजअप वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को पता चले। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है यूरोप गर्ल पेरिस का आईलेस ग्लू, जो कुछ इस तरह की ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें मिलता है, एज यू कैन सी। और अंदर से पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, एक वाइट कलर की बोतल हमें मिलती है, और इसमें हमें मिलता है आईलेस ग्लू। बहुत ही अच्छा आईलेस ग्लू है गाइज। और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक और प्राइजेस जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप लोग लेना चाहो तो आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। तो ये हो चुका है खाली। देन आई हैव ये। सो ये जो एक थिंग थी उसकी पैकेजिंग थोड़ी बहुत यू कैन सी कि कैसा हो गया है ये। तो ये है गार्नियर कलर नेचुरल का क्रीम रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर। तो ये मैंने मेरी मम्मी के लिए ऑर्डर किया हुआ है, इसमें उनका शेड है नेचुरल ब्लैक। तो इसमें हमें मिलता है ये क्रीम हेयर कलर, मतलब कि ये कलर है, और देन यहाँ पे हमें डेवलपर मिल्क मिलता है। सो इस दोनों को मिक्स करके हमें अप्लाई करना रहता है, और इसके साथ हमें मिलते हैं ग्लव्स फॉर अप्लाइंग इट, और दो कंडीशनर है जिससे हमें हेयर वॉश में ये यूज होता है। यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो तो सभी इसमें मेंशन किए हुए हैं वो तो मुझे मिले ही है, कोई प्रोडक्ट गुम हुआ हो या ऐसा कुछ तो नहीं है। बट या इसकी पैकेजिंग थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड है, बट कोई नहीं। देन आई हैव थर्ड वन। तो यहाँ पे हम लोग वैसे, मुझे तो बहुत सारे वीडियोस बनाने होते हैं, तो उसमें कभी मैं मेरे हेयर को कर्ल्स करती हूँ या कभी स्ट्रेट करती हूँ। तो जब मैं कर्ल्स करती हूँ तब मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से उसे कर्ल्स करती हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो हेयर है वो डैमेज होते हैं और हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे मंगवाया हुआ है ये मीडियम हेयर रोलर, तो हेयर केयर फॉर परफेक्ट कर्ली हेयर, और ये है फ्रॉम मिनीसो। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेजोन पर मिनीसो की आइटम्स भी मिलती है, तो मैंने उसमें से ये मंगवाया हुआ है। इसकी MRP है 150 rupees। सो यहाँ पे मुझे 8 color मिले हैं, और इसे हमें कैसे यूज़ करना है उस पर वीडियो में ज़रूर डालूंगी। ये बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे हेयर उतने डैमेज नहीं होते जितने कलर से या फिर स्ट्रेटनर से होते हैं। तो या इसके लिए मैंने इसे मंगवाया हुआ है। Then I have set of 5 cushion covers, जो कुछ इस तरह के हैं। ये 60
सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के है। सो ये डार्क ब्राउन कलर में है एज यू कैन सी, और यहाँ पे ऐसा प्रिंट बना हुआ है। सो मेरा जो सोफ़ा सेट है वो एक्चुअली हमने बनवाया हुआ है, तो उसके कुशन्स बहुत ही बड़े हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये कुशन कवर्स मंगवाने पड़े। सो एज यू कैन सी कि ये जो पीछे कुशन पड़ा हुआ है उस पर भी मैंने यही डाला हुआ है कवर। सो यस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको एक चेन मिलती है, चेन भी अच्छी है, सो यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा है। सो मैंने फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा मंगवाया हुआ है, तो मुझे पसंद आया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड। देन मैंने एक मंगवाया हुआ था कर्टन, जिसकी जो मुझे मिला था मे बी 87 रुपीज़ या 68 ऐसा कुछ था। तो वो कर्टन है ये जो आप लोग पीछे देख रहे हो वाइट कलर का, तो मैंने इसी वजह से मंगवाया था जिससे मैं मेरी वीडियो में अपना बैकग्राउंड या कुछ ऐसा कुछ समथिंग न्यू कर सकूं। तो ये एक वाइट कलर का कर्टन है, मैं पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसकी वीडियो की वो कैसा है वो भी आपको मैं साइड में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग उसे देख सकते हो। सो इन सभी की MRPs और लिंक्स तो वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दूंगी। सो नाउ मेरे पास है ये बॉक्स, तो इसमें मुझे रिसीव हुए है ये कॉटन। ये जो कॉटन पैड है ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें रोज़ मेकअप करना, देन मेकअप रिमूव करना, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। मे बी ये 100-100 के बंचीज है दो, और इसकी MRP है ओनली 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ में ये कोई भी बुरी डील नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। देन आई हैव सो यहाँ पे मेरे पास है एक ड्रीम कैचर। तो मैं बहुत टाइम से ड्रीम कैचर लेने का सोच रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि ड्रीम कैचर बहुत ही अच्छा होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये मंगवाया है। सो ये बहुत ही अच्छा ड्रीम कैचर है, एज यू कैन सी कलर बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा ही होगा, जो मेरी वॉल है जहाँ पे मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ वो एक ब्लू कलर की है, तो वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो एज यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है ये। आप लोग देख सकते हो। सो मुझे ये बहुत ही पसंद आया, इसकी MRP जो भी होगी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। सो या ऐसी चीज़ें होम डेकोर की और सब अमेज़ॉन पे बहुत ही अच्छी मिलती है। सो देन मेरे पास यहाँ पर है फ्रेश लुक के वन डे कलर लेंसेज जो मैंने मंगवाए हुए थे। सो ये है इन दी शेड ग्रे, क्योंकि मुझे ग्रे कलर बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने अभी वीडियो डाली थी हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक में, तो मैंने उसमें ये कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर किए हुए हैं। सो अगर हम इसे एक बार यूज़ करते हैं तो फिर दूसरी बार इसे यूज़ नहीं कर पाते। तो ये पूरा 5 का सेट था, बट एक बार मैंने यूज़ किया हुआ है तो अभी बचे हुए हैं 4। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आए थे, बट मैंने यूज़ किए हैं तो मैंने अभी इसे बाहर रखा हुआ है। सो या लेंसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि अलग अलग लुक में हमें इसे यूज़ करना रहता है। सो आई ऑल्सो बॉट दिस LED फ्रॉम Amazon, बट आई डोंट नो उस टाइम पे मैं क्यों भूल गई।
यहाँ पे मुझे मिली है 4 बॉक्सेस एलईडी। इसमें भी ऐसा ही था कि एक बॉक्स मैं नहीं मंगवा सकती थी, तो मुझे 4 बॉक्स साथ में रिसीव हुए हैं। और इसकी एमआरपी और वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी अगर लेना हो तो। और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, बट मैंने ये वाइट पिक किया हुआ है, तो चारों मुझे वाइट ही मिली है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है गाइस, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। सो देन लास्ट आइटम है मेरे पास यहाँ पर, ये वुडन का टेबल। सो मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, बहुत कुछ देखा, तब जाके मैंने इसे मंगवाया हुआ है। सो यहाँ पे है मेरे पास ये वुडन का टेबल। सो ये भी मैंने कुछ रीजन से ही मंगवाया है। सो आई हैव दिस फिनिश, बहुत ही अच्छी है। मैंने किसी किसी वीडियो में देखा है कि उन लोगों को फिनिश जो होती है वो अच्छी नहीं मिलती है, बट इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है गाइस। मे बी ये उतना कॉस्टली नहीं था, तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं भी इसे ले लूँ। तो मैंने फिर हम इसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी इसकी साइज़ कुछ इतनी है। मैं आपको वीडियो तो बता ही दूंगी, तो आपको इसकी प्राइस और साइज सभी आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितनी है। सो या ये मैंने मंगवाया था। सो या इतनी चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई हुई थी अमेजोन से। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये अमेज़न हॉल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय, सी यू सून।